बहुत दिन बीत गए प्रियतम श्याम सुंदर के विरह में। तो सूरदास जी गोपियों के भाव में कहते हैं, पीस पृष्ठ 61 पर है, 179 पद, हरि परदेश बहुत दिन लाए। श्याम सुंदर बहुत दिन परदेश में लगा दिए। कारी घटा देख बादल की, नयन नीर भरी आए। बादल की काली घटा देख करके गोपियों के आंखों में आंसू भर आए। पहले वर्षा के ऋतु में हमेशा श्याम सुंदर के साथ रही हैं। जब वर्षा का दिन आया, काली घटा आकाश में छाई, बादल की काली घटा, तो नयन नीर भरी आए। पा लागौ तुम वीर बटाऊ, कौन देश ते धाये। तो बादल को ही या किसी राहगीर को जो मथुरा जा रहा था, तो कहते पा लागौ तुम वीर बटाऊ, हे भैया हे पथिक, तुम्हारे चरण में प्रणाम करती हूँ। कौन देश ते धाये, किस देश से आए हो, मथुरा जा रहे हो, तो इतनी पतिया मेरी दीजो, मेरी मेरा पत्र ले लो, मेरी चिट्ठी ले लो और दे देना, जहाँ श्याम घन छाए। कृष्ण को भी घनश्याम कहते, इसलिए श्याम घन को, घनश्याम को देख करके आँख में आंसू आ गए। दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए। अब इस ऋतु में दादुर अर्थात मेढक बोल रहे हैं, मोर पपीहा सब बोल रहे हैं, तो सोते हुए मदन को, कामदेव को जगा रहे हैं। सूरदास स्वामी जो बिछरे, प्रीतम भय पर आए। सूरदास जी गोपियों के भाषा भाव में कहते हैं कि स्वामी जब से बिछरे, जो यहाँ से चले गए, तो चले गए तो फिर आए नहीं, वो मथुरा के ही हो गए, पराए हो गए। गाइए सत्येंद्र। Thank you.
शेष बचे हुए लोग शाम को अब प्रसाद का टाइम हुआ है।